मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 43.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज का वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd का तीसरा नंबर ही होगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, मतलब 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप सबसे पहले हिंदी को पढ़िएगा, अच्छी तरह सवाल को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको इसमें 2 चर राशियां मिलेगी। तो क्या है चर राशि? एक बल्ला है और एक क्या है? गेंद है। एक बल्ला और एक क्या है? गेंद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य सिंगल से लेके चलते कि एक का ज्ञात करना है। माना कि एक बल्ला का मूल्य एक बल्ले का मूल्य हमने क्या मान लिया? ₹1 मान लिया, ठीक है। फिर दूसरी तरफ एक गेंद है, एक गेंद का मूल्य क्या करना है? एक गेंद का मूल्य हम लोगों ने क्या मान लिया? ₹22। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे और शर्त बनाएंगे। प्रश्न कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा, मतलब 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना हो गया? 3800 रुपया। तो प्रश्न की पहली शर्त का हमेशा पहली शर्त है 7 बल्ले, मतलब 7 बल्ले का मूल्य कितना है? x है प्लस 6 गेंद, 6 गेंद का मूल्य वाई है, तो 6y बराबर कितना? 3800। समीकरण का कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आ गया होगा, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 है, तो 7x + 6y बराबर 3800। फिर दूसरा लाइन है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। बाद में वो प्रश्न की दूसरी शर्त का अनुसार दूसरी शर्त है 3 बल्ले, 3 बल्ले मतलब 3x हो गया, प्लस 5 गेंद मतलब 5y बराबर हो गया 1750। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। मतलब 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना हो गया? 1750 रुपया। 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, अब आपको क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बल्ले और इसका मूल्य। तो आप 2 को समीकरण आपको मिल चुका है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हिंदी लिखते हैं, क्या मैंने बताया था, कौन सी विधि से सॉल्व करना है। तो अभी तो हम लोग का सारा जो चैप्टर चल रहा है वो सारा जो टॉपिक वो एक्सरसाइज चल रहा है वो 3.3 है। तो 3.3 में सारे को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सारे को किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको। तो प्रतिस्थापन क्या करता है? पहले लिखते हैं समीकरण, कोई एक ले लेते हैं। कौन सा आपको आसान लग रहा है? ये लग रहा है आसान, ये लग रहा है, तो 2 आसान लग रहा है। तो आप 2 को लेके बना सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या है? 3x + 5y = 1750। यही है। तो 3x = 1750 और माइनस क्या हो जाएगा? 5y। इधर प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 1750 -5y और पूरे का बट्टा क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से हम लोगों ने x का मान को प्राप्त कर लिया। अब इस x के मान को हम लोग किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। 2 से प्राप्त किया तो 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 देखिए क्या है? तो 2 है
सात एक्स प्लस सॉरी सात दो नहीं दो में नहीं एक में रख लेंगे समीकरण एक में भी दो से हम लोगों ने बनाया है तो समीकरण एक में रखेंगे। एक क्या है सात एक्स प्लस छह वाई बराबर 3800। ठीक है तो मान हमारा क्या आया x का मान 1750 माइनस 5y बटा 3 तो इस मान को उठा के x की जगह रखते हैं 7 गुणे 1750 माइनस 5y बटा 3 हो गया ये किसका मान x का मान हो गया। इधर y का मान तो कुछ रखना नहीं है तो 6y बराबर 3800 कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 7 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 से इसको गुणा कर लेते हैं गुणा भी कर सकते हैं या बटा का जोड़ भी कर सकते हैं। हम पहले गुणा कर लेते हैं 7 से इसमें करेंगे 7 0 0 7 5 35 के 5 हर से 3 7 7 49 और 3 52 हर से 5 7 एक कम 7 और 5 12 हो गया। फिर 7 से इसमें करेंगे 7 6 35 y अब पूरे का बटा कितना हो गया 3 प्लस 6y बराबर 3800 हो गया। यहाँ 3 बटा है यहाँ लघुत्तम निकाल देंगे यहाँ पर 1 है यहाँ 3 है तो लघुत्तम कितना आएगा 3 3 में 3 से भाग देंगे 1 पूरा उतर जाएगा 12250 माइनस 3 में 3 से भाग देंगे 1 35 से कम 35 मतलब ये पूरा सही उतर गया उतर गया। यहाँ प्लस तो प्लस 1 में 3 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 होता है तो 3 बचेगा 3 आएगा तो मतलब 6 3 बराबर 3800 ठीक है। यहाँ पे पट्टे का जोड़ किया गया आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ 12250 है यहाँ माइनस का 35 है यहाँ प्लस का 18 है तो 12250 माइनस 35 और प्लस 18 में से किसका चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 35 में से 18 गया 17 है ठीक है बराबर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से उधर गुणा हो जाएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 0 8 3 का 24 4 से 2 और 3 3 का 9 तो 12 आ जाएगा हो गया मतलब 3 से हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना है माइनस का 17y बराबर 11400 ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का पक्षांतर कर रहे हैं हम लोग हो गया। अब y का मान हमें ज्ञात करना है तो कहां लिख दें जगह नहीं मैं यहां मिटा दे रहा हूं ठीक है वैसे आप खुद भी कर सकते थे मैंने सॉल्व करा दिया है माइनस 17y बराबर घटाते हैं 11400 में से 12000 तो बड़ा कौन है 12250 है और 11400 को नीचे रख देंगे घटाएगा 0 5 12 में से 4 गया 8 इधर एक आपसे इसको दे दी 1 बचा 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0 मतलब कितना बचा माइनस का 850 माइनस क्यों नहीं किए क्योंकि चेंज किसका ज्यादा है माइनस वाले का ज्यादा है। अब y बराबर माइनस 850 अब 17 है यहाँ पर बटा में आ जाएगा माइनस से माइनस 17 बचे 50 y का मान कितना आ गया 50 मतलब x y का मान कितना आ गया 50 तो y से किसका मान हम ज्ञात कर लेंगे x का मान ज्ञात करेंगे तो यहां पे मिटा दे रहा हूं इसलिए x बराबर x बराबर x का मान क्या था 1750 माइनस 5y बटा 3 यही था x का मान तो x के मान से y का मान रख दिया जाए 1750 माइनस 5 और y का मान कितना 50 बटा 3 1750 50 और 25 250 50 में 250 होता है बटा 3 1750 में से 250 गया तो कितना बचा 1500 और बटा 3 काट देंगे कितने बार में बटा 500 बार x बराबर कितना आ गया x बराबर 500 हो गया। x का मान 500 आ गया y का मान कितना आ गया 50 आ गया तो क्या लिखेंगे अतः लिखते हैं हिंदी में अतः लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको क्या कहते हैं एक बोर्ड एग्जाम में जब अतः लिखिएगा तो आपको फुल्ली मार्क्स मिलेगा कहीं पे भी आपका कोई कटेगा नहीं तो अतः
क्या है क्वेश्चन में बल्ले का मूल्य था, तो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर x बराबर कितना 500 और एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना 50। तो इस प्रकार ये रुपए लगा लीजिएगा रुपये। इस प्रकार से हमने दो को चीज x और y का मान को प्राप्त किया। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कि भारी जब आपको जैसे ये समीकरण भारी लग रहा था तो भारी लग रहा है, आराम से कीजिए, जोड़ घटाओ, गुणा भाग, घटा का जोड़ को अच्छे से कीजिएगा तो आपका सवाल अच्छे से बनेगा, नहीं तो अगर हड़बड़ा जाएंगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल आसान से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल है उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इसका भारी है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ये टैक्सी का भाड़ा में, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब टैक्सी में एक नियत भाड़ा है, मतलब टैक्सी में अगर आप बैठ गए तो आपको उतना भाड़ा देना होगा, वो नियत भाड़ा है, और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी, जितना किलोमीटर चल रहे हैं उसके लिए भाड़ा अलग लगता है। तो एक टैक्सी में दो प्रकार के भाड़े हैं, ठीक है। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है, 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, मतलब आपको नियत भाड़ा ज्ञात करना है, जितना मतलब बैठने पर उतना खर्च रहा है वो, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमको बताना है, ठीक है। फिर एक और इसमें क्वेश्चन पर रखा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, इसी के अंदर आगे का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो ध्यान से हम देखेंगे, हमको एक नियत भाड़ा ज्ञात करना और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना, यही दो चर राशि है। तो हम जो चर राशि है उसको मान लेते हैं, तो माना कि नियत भाड़ा मतलब टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, हमने नियत भाड़ा क्या मान लिया x रुपये, ठीक है, ये नियत भाड़ा। फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति का मतलब होता है एक किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपये, इसको भी हमने मान लिया। हमने एक नियत भाड़ा x को माना और एक किलोमीटर का भाड़ा y मान लिया, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ये दोनों भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है, 105। तो प्रश्न की पहली शर्त क्लियर, तुम लोगों को प्रश्न की पहली शर्त हमेशा क्या है, पहली शर्त 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, मतलब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, यही है बराबर कितना है 105। तो 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा, तो एक नियत भाड़ा होगा उसमें और एक 10 किलोमीटर का भाड़ा होगा, होगा कि नहीं, मतलब कि नियत भाड़ा जैसे मान लीजिए टैक्सी में बैठ गए तो उसका भी एक चार्ज देना होगा। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा में एक नियत भाड़ा हो गया जो कि x हो गया, और प्लस एक किलोमीटर का भाड़ा वाई है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना जाएगा 10 वाई बराबर 105। समीकरण नंबर एक कैसे बना, समझ में आया, 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा बराबर एक तो एक्स हो गया जो नियत भाड़ा है, और एक किलोमीटर के लिए वाई है, एक किलोमीटर का भाड़ा वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, एक्स प्लस 10 वाई बराबर समीकरण 105 समीकरण नंबर, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। दूसरा शर्त है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये, मतलब 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर कितना 155 रुपये। तो आपको पता है टैक्सी में बैठने का नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा x,
अब 15 किलोमीटर का भाड़ा कर रहे थे, 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y बराबर 155 बराबर 155। समीकरण नंबर क्या होगा? 2। एक हो गया हमारा समीकरण 1 और एक हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को उतार देंगे यहां पर, समीकरण 1 और फिर समीकरण नंबर 2 को उतार देंगे, ठीक है। 2 क्या है? 155। अब दोनों को हम लोग कौन सी विधि से हल करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के लिए कोई एक समीकरण को ले लेते हैं, जैसे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 से क्या हो जाएगा? x बराबर 105 माइनस 10y हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस वाले x के मान को कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, बहुत आसान है, तो यहां तक बन गया, तो इसके बाद आप आसान कर लेंगे कि ये तो ये थोड़ा सा भारी था हिंदी लिखना, तो हिंदी भारी मत समझिए, ये बहुत आसान है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, अपने आप हिंदी आपका लिखा जाएगा। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155, x का मान कितना है? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 10 में से 15 गया तो 5y हो गया प्लस का, क्योंकि प्लस ज्यादा है, और 105 उधर चला जाएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। अब 5y बराबर 50 हो जाएगा, तो y बराबर 50 बटा 5 बराबर 10। y का मान आ गया 10। अब उससे x का मान आप ज्ञात कर लोगे, x का मान मैं यहां मिटा के कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से आप उतारिएगा, उदाहरण में बनाइएगा, इसलिए x बराबर कितना मान था? x बराबर 105 माइनस 10 y, 105 माइनस 10, और y का मान कितना आया है? 10, तो 105 माइनस 100 बराबर कितना हो गया? 5, मतलब x का मान कितना आ गया? 5। जब x का मान 5 आ गया तो आपको पता चल गया होगा, अतः लिखना होता है, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा निम्नलिखित नहीं, यही माने थे शायद, यहां पर यहां माने थे ना, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x बराबर कितना? 5 रुपये। 5 रुपये हो गया। और क्या था दूसरा? 1 किलोमीटर का भाड़ा, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाड़ा बराबर वाई बराबर कितना? वाई का मान 10। याद हो गया कि नहीं? यहाँ पर हमारा जो सवाल है वह सवाल यहाँ तक का बन गया, मतलब हमने क्या कर लिया, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात बना लिया। अब क्या है, एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मतलब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उस व्यक्ति को भाड़ा कितना देना होगा? तो लिखेंगे 25। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है उसको शुरू करेंगे, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए के लिए भाड़ा बराबर 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, तो एक नियत भाड़ा का x तो होगा ही, और उसमें 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो 25y हो जाएगा, x का मान x प्लस 25y हो जाएगा। x का मान कितना है? 5 रुपये, और इसका मान है 10 रुपये, तो 5 और 25 जहां के 250, 250 और 5 कितना हो गया? 255 रुपये। अर्थात 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितना रुपये देना होगा? 255 रुपये देना होगा। यहाँ पर ये हमारा चौथा सवाल समाप्त होता है। बिल्कुल आराम से आप बनाइएगा, अच्छी तरीके से बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए इसमें। सवाल को अच्छी तरह पढ़िएगा, एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद खुद से बनाइएगा, उतारिएगा मत, उतारिएगा तो फिर वही हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाइएगा। खुद से बनाइएगा, आपका 100% बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों सवाल तो मैंने यहाँ करा दिए, अब मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। बाकी के जो दो सवाल बचेंगे उसको आगे वाले वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो इसको उतार देंगे जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा वो दोनों के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। वो दोनों होमवर्क जो है वो आपके दोनों क्वेश्चन पे ही
आधारित है। तो चलिए पहला है, 4 केजी सेब तथा 3 केजी अमरूद का कुल मूल्य 33 रुपए है, जबकि 3 केजी सेब एवं 2 केजी अमरूद का कुल मूल्य 24 रुपए है। तो 1 केजी सेब और 1 केजी अमरूद का मूल्य प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यान से सवाल को पढ़ करके लिखिएगा। नेक्स्ट, एक शहर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चलने की दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 8 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 100 रुपए है और 14 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 14 किलोमीटर दूरी के लिए लिख लीजिएगा, 14 किलोमीटर दूरी के लिए 14 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 172 है। किसी यात्री को 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने जो कराया है उसी पे आधारित है। बिल्कुल अच्छे से इसका बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में जरूर